गुड मॉर्निंग गाइस, हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। वी होप यू हैव लर्न अ लॉट प्रीवियस वीडियोस। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका भी जैसे हमने इससे पहले वाले में जो इसका ट्रांसलेशन रूल्स क्या होता है, किस तरीके से हम इनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ये आपके सामने एक बार फिर से है। देखिए, आप वाक्यों का अनुवाद करते समय, अनुवाद करना मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो हमें सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर नंबर है तो वी हैव टू यूज ओनली इज हेल्पिंग वर्ब। और यदि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, देन वी हैव टू यूज आर, वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब आर। और यदि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ स्पेशली इस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब उसके लिए एम लेना है। तो फिर से हम पूरे को देखें, वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके पश्चात हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब हमारी थ्री है इसकी, इज, एम, आर। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिया हमने, उसके बाद हमें फिर नॉट लगाना है, उसके पश्चात मुख्य क्रिया का पहला रूप मीन्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फिर जहां हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है उसी में हमको आईएनजी ऐड कर देना है। फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, और जहां हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है वहां हमें पूर्ण विराम, इंग्लिश में उसे डॉट बोला जाता है। इस तरीके से हमारे सामने रूल्स प्रिपेयर हो गया है। उसको देखिए, हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर उसके बाद हमें नॉट लगाना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर उसके बाद हमें उसमें आईएनजी ऐड कर देना है, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। उसको अगर हम हिंदी में समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, सबसे पहले हमने कर्ता लिया है, फिर उसके बाद हमने सहायक क्रिया ली है, सहायक क्रिया तीनों में से कोई एक जो भी हमारा कर्ता होगा उसके अनुसार, फिर उसके बाद हमें नॉट लेना है, फिर उसके बाद हमें मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है और उसमें आईएनजी ऐड करना है, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस के अंदर जो भी हिस्सा बचा हुआ है होता है वो कहलाता है उसका ऑब्जेक्ट कर। और इस तरीके से ये हमारा रूल्स कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन डॉट फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक बात, रूल्स को एक बार फिर से देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। फर्स्ट, हम परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका सबसे पहले बी, चूंकि ये प्लूरल फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आप और लेंगे, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड किया है, तैयारी करने के लिए प्रिपेयर उसमें आईएनजी ऐड किया, प्रिपेयरिंग हो गया परीक्षा के लिए, फॉर एग्जाम्स वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। सेकेंड, शुभम दीपक के लिए फूल नहीं ला रहा है। अब आपका इसमें दो नियम आए हैं, लेकिन जो भी काम करने वाला है वो आपका सब्जेक्ट ही आपको समझना है। तो यहाँ शुभम दीपक के लिए, मतलब जो काम नहीं कर रहा है वो शुभम है, तो सब्जेक्ट आपका शुभम हुआ। अब चूंकि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करेंगे, तो शुभम इज नॉट ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर दीपक। दुकानदार कालाबाजारी नहीं कर रहा है। शॉपकीपर इज नॉट डूइंग ब्लैक मार्केटिंग। वह मुझे अच्छे से नहीं समझा रहे हैं। ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग वेल टू मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक बात। अब इसी में हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट है, या तो आपका सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होगा, और दूसरी कंडीशन होती है वही इंट्रोगेटिव वर्ड आपके जो है वाक्यों के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला लेते हैं। यदि आपका सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए हमें ट्रांसलेशन का जो रूल्स होगा वो किस तरह से क्रिएट होगा वो देखना है। वाक्यों का जब आप अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले आपको जो इसकी सहायक क्रिया जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वो तीन है हमारी, इज, एम, आर,
अब उसमें जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, अर्थात कर्ता के अनुसार, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके पश्चात मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है और उसमें फिर आपको आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको लिखना है, और जहां पर आपका ऑब्जेक्ट लिख दिया आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इस तरीके से आपका फर्स्ट जो क्या से अगर स्टार्ट हुआ वो वाला रूल्स आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी ईजेमआर होती है इसकी, प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फोर, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। उसको अगर आप इस तरह से हिंदी में अगर समझते हैं, सहायक क्रिया आई आपकी सबसे पहले, उसके बाद आपका कर्ता आया, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप होगा, फिर उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद आपको कर्म लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर इसी में आपकी सेकेंड कंडीशन क्रिएट होगी कि यदि प्रश्नवाचक शब्द अर्थात जो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड है वो अगर आपके स्टार्टिंग में ना है, वो वाक्यों के बीच में चले जाए, अगर वो वाक्यों के बीच में आते हैं तो अब आपको क्या करना है, वाक्यों का अनुवाद करते समय आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको सबसे पहले जहां भी आप वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे उन शब्दों की जो भी मीनिंग बनती है, उनकी जो भी ट्रांसलेशन बनती है, उसको आपको सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद बाकी का जो रूल्स होगा वो पूरा का पूरा जो अभी हमने फर्स्ट वाला लिखा है उसी में आपको ऐड करना है। इस तरीके से आपका जो है सेकेंड रूल्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा यदि बात क्या से अगर स्टार्ट होता है तो हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको हमको अच्छे से देखना है। जैसे क्या भाई बगीचे की निगरानी कर रहा है, तो जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं अगर वो क्या से स्टार्ट है तो सबसे मेन फैक्ट जो है आपको समझने का वो ये रहेगा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो भी टेंस हम पढ़ रहे हैं, सब टेंस हम जो पढ़ रहे हैं, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर आपका सेंटेंस क्या से अगर स्टार्ट होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जब हम लिख देते हैं तो वो क्या का अर्थ देता है। अब अकॉर्डिंग टू अवर सेंटेंस इज, वह जो आया है वह एक वचन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हुई वो इज है, तो इज, उसके बाद हमारा जो रूल है उसको हम फॉलो करते चले जाएं, सेंटेंस हमारा जो होगा वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता चला जाएगा। तो इज ही वॉचिंग ऑफ द गार्डन। सेकेंड देखें, क्या आप अपने साथियों की मदद कर रहे हैं, तो अब आप सब्जेक्ट हुआ तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर यू हेल्पिंग टू योर कंपेनियंस, क्या वे कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, आर दे फाइटिंग विथ कोरोना। फोर्थ, क्या हम उनका सहयोग कर रहे हैं, तो आर वी कोऑपरेट देम, और सहयोग कर रहे हैं। अब हमारा सेकेंड कंडीशन, प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्यों के बीच में आए तो हमें क्या करना है, किस तरह से इसको ट्रांसलेशन देनी है। इसके लिए फर्स्ट, माँ बाप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, अब इसमें हमने रिकोनाइज किया, पहचाना है कि जो हमारा सेंटेंस था उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आया हुआ है, तो उसके लिए जो मीनिंग यूज होता है वो है वर्ड। अब उसके बाद हमारा जो फर्स्ट रूल, सेकेंड, चीता गाय का शिकार कैसे कर रहा है, इसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे आया है उसको हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ली, उसके बाद सब्जेक्ट लिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसने आईएनजीएट किया, तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। तो चीता गाय का शिकार कैसे कर रहा है, हाउ इज द टाइगर हंटिंग टू द काउ। नेक्स्ट, आप क्या कर रहे हो, क्या के लिए सबसे पहले वाट लिया, आपके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर ली, उसके बाद सब्जेक्ट यू लिया, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, और उसने आई एन जी एड किया, इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट, तुम उसको क्यों मार रहे हो, व्हाई आर यू बीटिंग हिम। इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसके रूल्स को हम एक बार फिर से देख सकते हैं कि ये दो तरीके से इसके रूल्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट वाला होता है अगर हमारा सेंटेंस क्या से अगर शुरू हुआ है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कर्ता के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हमको आई एन जी एड करना है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लेना है, और जहां हमारा क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन कह लें या वाक्य कह लें, जब पूरा हो जाता है तो वो उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। सेकंड इसी का जो होता है कि यदि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं अगर वो वाक्यों के प्रारंभ में ना आते हुए अगर वो वाक्यों के बीच में आए तब हमें किस तरीके से उसको उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में। तो सिंपली जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको हमें सबसे पहले लिखना है और उसके बाद इसी रूल्स को जो फर्स्ट वाला रूल्स है उसी को हम उसमें ऐड कर देंगे और इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हेल्पिंग वर्ब जो इसकी जो है इज एमआर होती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें हमको आईएनजी ऐड करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और जहां हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा। इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वी विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू।